नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शून्य यानी जीरो। ये जीरो का आविष्कार आखिर किसने किया था, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने? अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि जीरो का आविष्कार किसने किया था तो आपको आंसर मिलेगा आर्यभट्ट। लेकिन अब सवाल यह है कि आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी यानी कलयुग में जीरो का आविष्कार कर दिया था तो त्रेता युग में रावण के 10 सिर और द्वापर युग में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बारे में कैसे बताया गया? क्या आर्यभट्ट से पहले किसी ने जीरो का आविष्कार कर दिया था? अगर हाँ तो किसने? शून्य हमारे देश का बहुत बड़ा आविष्कार। शून्य पर आज भी पूरी दुनिया में रिसर्च होता है। ग्वालियर के एक किले में मौजूद चतुर्भुज मंदिर में मिलता है। तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो। ये मंदिर 9वीं शताब्दी का था। शून्य, ये शून्य मतलब होता है खाली या कुछ नहीं। कि आज दुनिया चांद और तारों की सैर इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसके पास शून्य है। ये तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में कि ब्रह्मगुप्त कौन थे। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 एडी में राजस्थान के भीमाल में हुआ था और 668 एडी में इनका मृत्यु हो जाता है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार हमें ग्रेविटी के बारे में 628 एडी में बताया था, जिसे बाद में गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना गया। इन्होंने भी कई सारी डिस्कवरीज की हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में पाटलिपुत्र आज के समय में बिहार के पटना में हुआ था और इनका मृत्यु 550 एडी में हो गया था। इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने भी कई सारी डिस्कवरीज की हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी इनका जीरो का रहा है। सबसे पहला डिस्कवरी इनका रहा है पाई का। इन्होंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.141 समथिंग करके दिया था। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत ही इस्तेमाल किया है। ये फॉर्मूला भी आर्यभट्ट ने ही दिया था और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि अर्थ जो है वो स्फीयर शेप में है और कैलकुलेशन करके ये बताया कि अर्थ 1 रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर्स 56 मिनट 4.1 सेकेंड लेता है, जबकि मॉडर्न वैल्यू 23 आवर्स 56 मिनट 4.091 सेकेंड है और अर्थ 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज 6 आवर्स 12 मिनट 30 सेकेंड लेता है, और जबकि मॉडर्न वैल्यू 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट 9.76 सेकेंड है। केवल 3 मिनट 20 सेकेंड का फर्क है। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट कितने महान गणितज्ञ थे और ये सब कैलकुलेशन उन्होंने इस वक्त किया था जब किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार बताया था कि सूर्य के किरणों से मून और प्लैनेट चमकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारी किताबें लिखी थी जैसे दक्षगीतिका, आर्यभाटिया तंत्र एंड आर्यभट्ट सिद्धांत, जो कि आज के समय में हमारे पास सिर्फ 3 किताबें हैं जैसे कि आर्यभाटिया, दक्षगीतिका और तंत्र। और चौथा बुक जिसका नाम है आर्यभट्ट सिद्धांत, उसकी सिर्फ 34 श्लोक हमारे पास मौजूद है। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि ये इतना यूजफुल बुक कैसे गायब हो गया। और आर्यभट्ट अपने बुक्स में मैथमेटिक्स के फॉर्मूला या किसी चीज को बताने के लिए नंबर्स का नहीं श्लोक का इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लिखा गया है, वैसे ही आर्यभट्ट भी अपने बुक में ऐसे ही मैथमेटिक्स के नंबर्स को या किसी भी चीज को लिखाने के लिए श्लोक का इस्तेमाल किया करते थे। चलिए उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1, 10, 6, 7, 6 सहस्त्रम वयुत नियुते तथा प्रयुतम कोटर्य बुंद च वृंद स्थानत स्थानम 10 गुणम सयात। ये श्लोक पढ़ने में कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। इसमें 1 का अर्थ है 1, 10 का अर्थ है 10, 7 का अर्थ है 100, 10,000, त्रयुत का अर्थ है 10,000, नियुते का अर्थ है 1,00,000, प्रयुतम का अर्थ है 10,00,000, कोटर बिंदु का अर्थ है 1 करोड़, वृंदा का अर्थ है 10 करोड़। प्रत्येक स्थान पिछले से 10 गुना बड़ा है। ये है इस श्लोक का अर्थ। ये कुछ समझ में आ रहा है? जो हम लोगों को बचपन में 1,100,000 पढ़ाया जाता था ये वही है। इसका मतलब आर्यभट्ट ने इसका डिस्कवर बहुत पहले ही कर दिया था। आर्यभट्ट वो इंसान थे जिन्होंने साइंस कॉन्सेप्ट को दिया था और इन्होंने सबसे पहले अपने बुक में इस साइन कॉन्सेप्ट को अर्थ दिया करके नाम दिया था, जिसका मतलब होता है हाफ गॉड। सरलता के लिए लोग इसे जिया कहने लगे। जब अरेबिक राइटर्स ने इनके वर्क को, इनके डिस्कवरीज को संस्कृत से अरेबिक में ट्रांसलेट किया तो इसे जो है जीवा नाम दिया था, जबकि अरेबिक राइटिंग्स में वॉवल्स को छोड़ दिए जाते हैं
तो इसे जो है जब नाम करके दिया गया था। जैसे हम लोग भारत, इसको हम लोग BHARAT बोलते हैं, लेकिन जब बाहर के देश के लोग जब इसे भारत को बोलेंगे तो वो इसे भरत पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, सब कोई अपने अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करता है। बाद में राइटर्स ने इसे जाइट से रिप्लेस कर दिया, जिसका मतलब होता है किसी कपड़े में फोल्ड या जेक का कोई भी फोल्ड कर्व शेप में। अरेबिक में जीवा एक मीनिंगलेस वर्ड है। फिर आए घेराडो, जो कि नॉर्दर्न इटली के सिरमोना में पैदा हुए थे। ये एक महान ट्रांसलेटर थे जिन्होंने अरेबिक वर्ड को लैटिन में ट्रांसलेट किया था। ये टोलेडो गए ताकि ये ट्रांसलेशन अच्छे से सीख सके, क्योंकि उस समय तक कई ऐसे किताबें थी जो कि लैटिन लैंग्वेज में मौजूद नहीं थी। इन्होंने ट्रांसलेशन सीखा और फिर जो आर्यभट्ट ने अर्धजिया के बारे में अपने बुक में लिखा था वो अब तक संस्कृत से अरेबिक में ट्रांसलेट हो चुके थे। फिर घेराडो ने इसी चीज़ को लैटिन में ट्रांसलेट किया था, लेकिन इन्होंने जैप से रिप्लेस करके साइनस कर दिया, जिसका मतलब कोव या बे होता है। कोव का मतलब होता है स्मॉल सर्कुलर बे विथ नैरो एंट्रेंस, सर्कुलर ओवल इन शेप, यानी कि कोव का मतलब एक ऐसा जगह होता है जो कि सर्कुलर शेप में हो और उसमें पतला सा कोई रास्ता हो। बे का भी सेम मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ कोई फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। बे का मतलब ये होता है कि वो भी सर्कुलर में हो, लेकिन वहाँ पर कोई बड़े ओरियन या किसी चीज से कनेक्टेड हो, जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल। इंडिया के मैप में आप जब देखेंगे बे ऑफ बंगाल को, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी, वो कुछ स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो एरिया यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है ओशियन से बहुत बड़े, तो इसीलिए इसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो आखिर में साइन वर्ड इंग्लिश वर्ड से याद आया। अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पे, आखिर जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने? जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने 5th century में किया था, और उनके बाद ब्रह्मगुप्त ने 6th-7th century में जीरो का यूज एज ए नंबर यानी न्यूमेरिकल्स में किया था। अब सवाल यह है कि अगर आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था तो त्रेता युग में रावण के 10 सिर और द्वापर युग में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की गिनती कैसे की गई? इसका आंसर होगा, हम लोग जीरो का इस्तेमाल बहुत पहले से करते आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप में, जैसा कि एज ए पॉइंट, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। शून्य, ये शून्य एक सर्कल या गोले के रूप में नहीं बल्कि बिंदु के रूप में था। एक पांडुलिपि 3rd-4th शताब्दी के बीच की है। इस पांडुलिपि में शून्य के लिए डॉट यानी एक बिंदु का इस्तेमाल किया गया है, और ये शून्य के बारे में अब तक का सबसे पुराना प्रमाण है कि शून्य 9वीं शताब्दी से भी पुराना है। 3rd century में शरद लिपि में जीरो को एज अ पॉइंट या अलग तरीके से यूज किया गया है, लेकिन 5th century में आर्यभट्ट ने इसे एक डिफिनिट ओवल शेप दे दिया था, जिसे हम जीरो के नाम से जानते हैं। और फिर बाद में ब्रह्मगुप्त ने इसे जीरो का इस्तेमाल किया कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल में, तो इसीलिए हम दोनों लोग को, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को सम्मान देने के लिए दोनों लोग को श्रेय देते हैं। अगर अभी नहीं समझ आया तो ऐसे समझो, क्या ऑक्सीजन डिस्कवर होने से पहले लोग सांस नहीं लेते थे? लेते थे ना। और क्या सर, आइजैक न्यूटन ने जब तक ग्रेविटी को प्रूफ नहीं किया था तब तक यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं था। हाँ ना, उसी तरह जीरो भी यहाँ पर बहुत पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम लोग अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने उसे एक डेफिनेट ओवल शेप दे दिया था। और यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, और खोज उसी की जाती है जो पहले से है, यानी कि जीरो जो है बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसे आर्यभट्ट ने बाद में खोजा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।